मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश में कुल 5,52,00,000 वोटर नई सरकार को चुनेंगे, जिसमें लगभग 18,86,000 वोटर पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र कसरावत की बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर अग्रिम कुमार IAS के हाथों में इस बार कसरावत विधानसभा में शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अग्रिम कुमार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदाताओं की संख्या 2,10,214 थी और मतदान का प्रतिशत 83% था, जो जिले की सभी विधानसभा में सर्वाधिक था। 5 वर्ष की अवधि में विधानसभा में 28,186 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। विधानसभा निर्वाचन 184 विधानसभा कसरावद में नामावली का प्रकाशन दिनांक 2/8/2023 को किया गया था, जिसमें मतदाताओं की संख्या 2,33,925 थी, जो दावे आपत्ति के पश्चात अंतिम प्रकाशन में 2,38,400 हो गई, जिसमें 1,20,403 पुरुष मतदाता, 1,17,995 महिला मतदाता और 2 ट्रांसजेंडर हैं, जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वैसे कसरावत विधानसभा में निर्वाचन शांतिपूर्ण नहीं होता है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, लोकतंत्र का महापर्व की तैयारी आप जोरों पे है। आप तहसील के मुखिया हैं, निर्वाचन की क्या तैयारी है सर? जी, हमारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जो हमारी 1/10/2023 के अर्धा तिथि के अनुरूप में जो हमें निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन करना था, वो 4 अक्टूबर 2023 को हर पोलिंग स्टेशन पर कर दिया गया है। इससे पहले जो आयोग के निर्देश अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य था, वो 2 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक किया गया, जिसमें हमारे फॉर्म 6, जिसमें नवीन मतदाता जो 18+ या ऐसे कोई मतदाता जो हमारे निर्वाचक नामावली से छूट गए हैं, उनको ऐड करने का कार्य किया गया। हमारे ऐसे मतदाता जो मृत हो गए हैं या कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं, उनको फॉर्म 7 के माध्यम से हमारी निर्वाचक नामावली से विलोपित करने का कार्य किया गया। और फॉर्म 8 जो अगर किसी मतदाता को अपने डिटेल्स में संशोधन कराना है तो उससे किया गया। तो हमारी 2/8/2023 जब हमारी निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया था, तब हमारे सब डिवीजन तहसील कसरावद में 2,33,925 मतदाता थे, और जो हमने अभी अंतिम प्रकाशन किया है 4/10/2023 को, उसमें हमारे ये मतदाता बढ़कर 2,38,400 हो गए। क्या लगता है कि नवीन मतदाताओं में या युवा वर्ग में निर्वाचन को लेकर या मतदान को लेकर क्या उत्साह दिखाई दिया जिस तरीके? बिल्कुल, हमें हमारे खुद के ऑफिस और हमारी स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से भी हमने पूरी कोशिश की गई है कि जो भी हमारे नवीन मतदाता हैं, जो 18+ के मतदाता हैं, खासकर जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 12th क्लास के, जिन्होंने 18+ किया है, उनमें काफी विशेष प्रयास करके उनको जोड़ने की कार्रवाई की गई है। जिस रेफरेंस में हमारा जो EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो मेरे ही कार्यालय में जुलाई 10 से निरंतर चल रहा है, उसमें 4,500 मतदाताओं को हमने EVM का प्रशिक्षण दिया है कि किस तरीके से हमारी जो वोटिंग मशीन है, जो हमारी VVPAT है, वो कैसे फंक्शन करती है, ताकि वो और प्रोत्साहित होकर मतदान में अपना जो सबसे विशेष राइट है उनके मतदान का, उसका उपयोग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तहसील के होने के नाते दायित्व तो बड़ा है, किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है और किस तरीके से कर्मचारियों को लगाया हुआ इस काम पे? जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कंटिन्यूअस डोर टू डोर सर्विस, जो हमारे BLOs, हमारी जो सबसे ग्राउंड की सबसे इम्पोर्टेंट टीम होती है, उन्होंने निरंतर बहुत मेहनत से ये कार्य किया है, जो कि मई जून में कंटिन्यूअस डोर टू डोर सर्वे किया गया। उसके उपरांत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में 45 दिन लगातार पोलिंग बूथ पर रहकर तथा हर मोहल्ले में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया गया, और जिससे ज्यादा के ज्यादा लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता पड़े और उनका निर्वाचक नामावली में नाम अवश्य है कि नहीं, वो सत्यापन किया गया। उसके लिए मतलब निरंतर टीम लगी रही, और ऐसे ही हमारे जो AERO's की टीम है, हमारे तहसीलदार हैं, उन्होंने भी कंटिन्यूसली और हमने भी कंटिन्यूस फील्ड वेरिफिकेशन किए हैं, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारा मतदान देने से छूटे ना। तो इसके लिए हमने कंटिन्यूस प्रयास किए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, सो दैट हमारी स्वीप की एक्टिविटी से ज्यादा लोग जुड़े। और पिछली बार भी एक विशेष उपलब्धि थी कसरावद तहसील की, कि यहाँ पे सर्वाधिक मतदान हुआ था जिले में, 83%,
तो हमारा इस बार का टारगेट है कि कम से कम 95% से कम तो मतदान नहीं है। तो मतदाताओं को संदेश करें, मेरा सभी मतदाताओं से यही संदेश है कि आपका ये बहुत ही पावरफुल अधिकार है मतदान का, जिसका उपयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो सब लोग बड़ी संख्या में आए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।